हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर। दिस क्लास इज़ फॉर 11th। ये 11th की क्लास है एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी। इन द 11th क्लास वी आर ऑन द सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन द प्रीवियस पार्ट आई टोल्ड यू हाउ द ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड, हाउ द साइंटिस्ट, नेचुरलिस्ट, इकोलॉजिस्ट ट्राई टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की कोशिश की, कैसे उनको ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे क्लासीफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, कि क्लासीफिकेशन सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल मैनर, आर्टिफिशियल करेक्टरिस्टिक, दैट कैन बी बेस्ड ऑन द नेचुरल, नेचुरल पे हो सकता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जिसमें हम इवोल्यूशन के बारे में भी स्टडी करें। तो दीज थिंग वी हैव डिस्कस इन दिस लेसन। इस लेसन में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ विद द वेरी ब्यूटीफुल लाइन, बहुत सारी लाइंस को लेके आता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ आपकी एक एनर्जी प्रोवाइड कराने की, ताकि आप, जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़िए। देखो, सक्सेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ प्रिपरेशन। जो सक्सेस है वो किसका रिज़ल्ट है, प्रिपरेशन का, हार्ड वर्क का एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। आप फेलियर्स का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में फेल होना, फेलियर्स का मतलब इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू मतलब योर अप्रोच इज़ नॉट 100%, यू कैन नॉट अचीव दैट गोल। अगर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, यू आर कमिटिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक वाइल राइटिंग द आंसर, वाइल लर्निंग एनीथिंग, देन दैट इज़ ऑल्सो अ फेलियर, वो भी एक फेलियर है। तो इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर, वॉट यू हैव, वॉट मिस्टेक यू हैव कमिटेड, कौन सी मिस्टेक आपने की है, क्या कर सकते थे, ठीक है, देन अगर उन पे ध्यान दोगे, अगर उनसे सीखोगे, तो वो फेलियर मतलब वो जो आपने गलती की है, जो मिस्टेक की है, वो दोबारा नहीं करोगे और कन्फर्म है आपको क्या मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो विद दिस मोटिवेशनल कोट लेट्स मूव अहेड, आगे की तरफ चलते हैं। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम में कैसे कैसे साइंटिस्ट नेचुरलिस्ट इन्वॉल्व हुए, फिर आया नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम में नेचुरल करेक्टरिस्टिक को लिया गया, फिर इसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग करेक्टरिस्टिक को लेके क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में पता लगा कि ऐसा भी सिस्टम होता है जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर फेनेटिक सिस्टम जो ओल्डर सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसको डिस्कस किया, जैसे थियोफिस्टस ने एनाटॉमी मतलब मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ट्रीज़ को, प्लांट्स सॉरी प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया था ट्रीज, शर्ब और हर्ब में। ठीक है, तो उसके बाद न्यू सिस्टमैटिक्स, जो नई सिस्टमैटिक्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यू सिस्टमैटिक्स क्या है। देखो, सिस्टमैटिक मतलब क्या हो गया, जैसे आप सिस्टमैटिक जानते हो ना, जैसे आपने सुना होगा किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करना, तो वही साउंड यहाँ पे भी आ रहा है। जो न्यू सिस्टमैटिक है मतलब नया सिस्टम जो लेके आए गए, बहुत सारे नए सिस्टम लाए गए, इवोल्यूशनरी जो इंग्लिश इवोल्यूशनरी थे, बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल दिया कि नए सिस्टम लाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे हम बहुत सारे करेक्टरिस्टिक को कंसीडर कर सकें, जेनेटिक्स को भी, जेनेटिक्स मतलब उनके सेल्स की स्टडी करके, उनके डीएनए या उनके क्रोमोसोम की स्टडी करके उनको क्लासीफाई करना, इकोलॉजी उनकी इकोसिस्टम में उनके नेचर को देख के, उनके हैबिटेट को देख के, पैलेंटोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी मतलब फॉसिल। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स मिलते हैं जिनके फॉसिल मिलते हैं या एनिमल्स मिलते हैं, उन फॉसिल से कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, उनसे कैसे करेक्टरिस्टिक को रिवील कर सकते हैं, तो ये सारी कंडीशन कहाँ पे आती है, न्यू सिस्टमैटिक्स में आती है। ठीक है, क्योंकि जब नेचुरल सिस्टम में भी बहुत सारे जो सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, वो जब फेल होने लगे, वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे न्यू सिस्टमैटिक्स आए, नए नए सिस्टम आए। ठीक है, उन्हीं सिस्टम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एक सिस्टम है जिसका नाम है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो, देखो नाम से ही पता लग रहा है, साइटो, साइटो जहाँ पे भी साइटो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सेल। मींस इफ़ द टैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है कि आरएनए है, ऐसी कंडीशन पे अगर हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, इन सारे बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसी सिस्टम को क्या बुलाते हैं हम, साइटो टैक्सोनॉमी। क्लियर है? तो अगर हम किस पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, किस करेक्टरिस्टिक को कंसीडर कर रहे हैं, सेल्स के करेक्टरिस्टिक को। और तुम्हें पता है सेल में बहुत सारी चीज़ें आ जा रही, ये सी एच का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम है, इसको पूरा कर लेना, क्रोमोसोम। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल का मतलब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन से नहीं है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से क्या है कि हम बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं,
हम क्या करते हैं कि कोई भी करेक्टरिस्टिक को नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोड प्रोवाइड करा देते हैं, मान लो कोई करेक्टरिस्टिक लिया हमने, उसको कोड प्रोवाइड करा दिया। मान लो हमने करेक्टरिस्टिक लिया मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड हमने एक करेक्टरिस्टिक लिया, उसको हमने एक कोड प्रोवाइड करा दिया MM1, मेमोरी ग्लैंड 1 का मतलब पहला करेक्टरिस्टिक, समझ में आया। तो ये क्या हमने क्या कर दी, करेक्टरिस्टिक को कोडिंग कर दी। अब इन करेक्टरिस्टिक को कोडिंग करने के बाद हम कंप्यूटर पे जो डेटाबेस प्रोग्राम्स हैं, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, उन पे हम इनको वर्कआउट कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम कोड प्रोवाइड करा देते हैं, कोड प्रोवाइड कराने के बाद हम कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसको इसमें हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आ जाओ, न्यूमेरिकल के बाद कीमो टैक्सोनॉमी। देखो कीमो से पता लग रहा है ना, कीमो मतलब केमिकल। अगर हम बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं सेल के अंदर, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। इफ़ वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दोज केमिकल, उन केमिकल्स को भी कंसिडर कर लें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफिकेशन कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये भी एक क्या है, टैक्सोनॉमी का टाइप है कि इन 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 बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये न्यू सिस्टमेटिक्स हैं जिसमें हम साइटो टैक्सोनॉमी, देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब न्यू सिस्टम में आ गए तो क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिज्म का, कैसे ऑर्गेनिज्म को नेचुरलिस्ट ने साइंटिस्ट ने क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले एक जो सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, जो सबसे पहला जो सिस्टम आया था उसको बोलते हैं टू किंगडम ऑफ सिस्टम, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस किंगडम में, दो किंगडम में, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब तुम सोचो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या हम उनको दो किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। देखो जिस टाइम ये स्टार्ट हुआ था, जिस टाइम टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने इसको स्टार्ट किया था, उस टाइम उनके लिए सही था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उनके वो जो ऑर्गेनिज्म के यूजेस देखे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में डिवाइड कर दिया। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी होती रही, जैसे जैसे एडवांसमेंट आगे बढ़ी, जैसे जैसे साइंटिस्ट की थिंकिंग चेंज हुई, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया, फेल हो गया। कि ऐसा देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले कुछ क्लासिफिकेशन के करेक्टरिस्टिक बता दे रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको क्लासिफिकेशन मतलब सबका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, नोट कर लेना। तो गुड क्लासिफिकेशन, आइडियल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका पहला, सबसे पहला क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है कोई छूट ना जाए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म शुड गेट क्लासीफाई, उसको क्लासीफाई होना चाहिए, पहला। दूसरा, सिमिलर ऑर्गेनिज्म शुड नॉट क्लासीफाई इन अ सेम, डिसिमिलर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सेम क्लास में ना हो, ठीक है, समझ में आया। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक क्लास में ना रखा जाए, दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो उसकी स्टडी करना ईजी रहे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो फाइलोजेनेटिक टाइप का भी होना चाहिए, जिससे हमें क्या स्टडी करने को मिले, इवोल्यूशन स्टडी करने को मिले। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम के। अब देखो जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें एरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। सही है कि या तो प्लांट्स होंगे या तो एनिमल्स होंगे, लेकिन फंजाई कहाँ जाएंगे, बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, ठीक है, वायरसेस कहाँ जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया ना, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड गेट क्लासीफाई, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लासीफाई हो नहीं पाए। सेकंड, कैरोलस लीनियस ने भी यही स्टेप उठाया, उन्होंने बस नाम चेंज कर दिया, एनिमेलिया, एनिमल को एनिमेलिया में रखा और जो प्लांट्स थे उनको वेजिटेबिलिया में रखा, ठीक है, या प्लांटे भी बुला सकते हो आप, वेजिटेबिलिया बुला सकते हो या प्लांटे बुला सकते हो। तो लीनियस ने भी दो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु गेव द टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आप कैरोलस लीनियस का ही नाम लिखोगे, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि सबसे मतलब जो बेस्ट इन्होंने क्लासिफाई किया था टू किंगडम, वो इन्होंने ही किया था, इन्होंने केवल बस नाम बताया था बस, ठीक है, क्लियर है।
अब दीज टू किंगडम इनको डिवाइड किसके बेसिस पे किया, मूवमेंट के बेसिस पे। तुम्हें पता है प्लांट जो है मूव नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने प्लांट को एक किंगडम में रख दिया। एनिमल मूव कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि जो पोरीफेरा होते हैं, जो स्पंज होते हैं, वो भी नहीं मूव करते, लेकिन वो एनिमल होते हैं, मतलब एनिमल है फिर भी मूव नहीं कर सकते। तो उनको कहाँ क्लासीफाई करेंगे, प्लांट में करेंगे कि एनिमल में करेंगे। फिर आ जाओ फूड पे, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, वो हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, तो क्या उनको एक साथ रखना अच्छा है, आइडियल करेक्टरिस्टिक है क्लासिफिकेशन का, नहीं है। ठीक है, ग्रोथ के बारे में भी यही है कि जो इन्होंने देखा कि जो प्लांट है उनकी ग्रोथ हमेशा होती रहती है, कुछ एनिमल्स हैं जिनके पार्ट्स की ग्रोथ होती रहती है हमेशा, जिनके पार्ट डीजनरेट होते हैं फिर से आ जाते हैं, होते हैं फिर से आ जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आने लगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डीमेरिट्स। तो आप डीमेरिट्स देख सकते हो कि क्या क्या डीमेरिट्स हैं। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है और जो प्लांट और एनिमल दोनों के करेक्टरिस्टिक को शो करता है। अभी जब आगे इस लेसन में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, यूग्लिना शो द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों के करेक्टरिस्टिक को शो करता है। ठीक है, तो इसको कहाँ क्लासीफाई करेंगे, प्लांट में करेंगे कि एनिमल में करेंगे। स्पंज के बारे में बताया आपको कि स्पंज मूव नहीं कर सकते, सेसाइल मतलब दे कैन नॉट मूव। लिचेंस कहाँ रखेंगे, लिचेंस को कहाँ रखेंगे, लिचेंस तुम्हें पता है ना, इसमें एलगा और फंजाई, मतलब प्लांट और फंजाई दोनों के करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इनको कहाँ रखेंगे। तो ये ऐसी कंडीशन में टू किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ टाइम तक तो चला, लेकिन उसके बाद वो फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद आया थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू के बाद चलो साइंटिस्ट ने सोचा, चलो भाई जैसे कोई गलती होती है, जैसे कोई मिस्टेक होती है, तो साइंटिस्ट उसको उसी चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं, उसी पॉइंट को इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल ने क्या किया कि इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एक किंगडम बनाया। ठीक है, उसके बाद प्लांटे और एनिमेलिया तो था ही, उसमें एक किंगडम इन्होंने और ऐड कर दिया। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, तो इन्होंने एक किंगडम उसमें और ऐड कर दिया। लेकिन इस किंगडम को ऐड करने के बाद भी आप इसमें डीमेरिट्स में क्या लिख सकते हो, स्टिल सो मेनी ऑर्गेनिज्म डिड नॉट गेट क्लासीफाइड, उनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। जैसे फंजाई कहाँ गए, बैक्टीरिया कहाँ गए, प्रोटोजोआ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, उनको कहाँ रखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी तो एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनको कहाँ रखेंगे, उनको प्लांट में रखेंगे, एनिमल में रखेंगे कि प्रोटोजोआ में रखेंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में बहुत सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स भी हैं जैसे अमीबा। अब अमीबा के साथ हम एल्गी को तो नहीं रख सकते ना, अमीबा भी यूनिसेलुलर है और एल्गी भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, तो दोनों को साथ में रख देंगे तो दैट इज विल बी नॉट अ गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि अमीबा एनिमल है और एल्गी क्या है, प्लांट है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसकी डीमेरिट आप खुद से लिखना, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है, खुद से लिखना कि क्या डीमेरिट्स हैं। उसके बाद आया फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फोर जैसे जैसे इन्वेंशन होता रहा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए तो और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगा, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में पता लग गया, मतलब बैक्टीरिया के बारे में पता लग गया। पहले बैक्टीरिया के बारे में इतना सब कुछ रिवील तो था नहीं, रिवीलिंग तो होती नहीं थी, तो लेकिन जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो प्रोकैरियोट्स के भी रिवील हुआ कि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो एक और किंगडम ऐड हो गया, प्रोकैरियोट्स भी ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म छूट गए जिनका क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया, तो इसकी भी डीमेरिट्स है। ठीक है, इसकी भी क्या लिख सकते हो आप, डीमेरिट्स, कि क्या कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे फंजाई का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, लिचन को कहाँ रखेंगे, उसके बाद वायरसेस को कहाँ रखेंगे। तो इस कंडीशन में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया। उसके बाद आए एक साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जो अभी तक हम इसको पढ़ते हैं, फाइव किंगडम ऑफ क्लास। का नाम था रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरएच विट्टेकर के नाम से जानते हो। आरएच विट्टेकर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड द फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये जो उन्होंने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसके कैरेक्टरिस्टिक थे, जैसे मैं आपको एक एक्टिविटी करके बता रहा हूँ, जैसे मान लो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फील्ड में हम कलेक्ट कर लें, फील्ड में कलेक्ट करने के बाद हम विसिल देंगे कि भाई जो नर्सरी क्लास को बिलोंग करते हैं वो अलग हो जाएं। ठीक है, जिनकी एज जो है वो 3 साल तक है, 4 साल तक है, वो अलग हो जाएं।
फिर जिनकी एज जो है वो 10 साल तक है वो अलग हो जाए, तो ऑर्गन मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। जब 11th की बारी आएगी, मतलब जब आपकी क्लास की जब टर्न आएगा, तो बोलेंगे कि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी लेना चाहते हैं वो अलग हो जाए, जो मैथ्स लेना चाहते हैं वो अलग हो जाए, और जो ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहते हैं वो अलग हो जाए। तीनों अलग अलग हो गए, तो तीनों का अलग अलग क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग उनके करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उनके फीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। सेम एज़ इन्होंने भी किया, विटेकर ने भी यही किया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को, सारे ऑर्गेनिज्म को जब देखा, तो उन्होंने देखा कि देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द सेल। टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे इन्होंने देखा कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो देखो, सारे ऑर्गेनिज्म को फील्ड में खड़ा किया होगा, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, एनेक्डोट बता रहा हूँ, सीटी बजाई और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनसे बोला अलग हो जाओ। तो जब प्रोकैरियोट्स अलग हो गए तो उनका नाम क्या रख दिया, देखो उनका नाम रख दिया मोनेरा। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे, जितने भी बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पता है ना, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ऐसे सेल को क्या बुलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और उसी किंगडम को नाम दे दिया मोनेरा। सेकंड, जब उन्होंने देखा कि प्रोकैरियोटिक तो अलग हो गए, अब क्या बचे, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में भी बहुत सारे यूनिसेलुलर हैं और मल्टीसेलुलर हैं, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं उनको एक अलग किंगडम दे दिया, जिसका नाम क्या बुलाया, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद देखा उन्होंने कि जो और बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक भी हैं मल्टीसेलुलर भी हैं, लेकिन उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट जो किंगडम लिया, ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट थी और हेट्रोट्रॉपिक थे, मतलब फंजाई, तो इस किंगडम को नाम दे दिया उन्होंने फंजाई। जो ब्रेकेट में लिखा है वो सब किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और थर्ड किंगडम क्या ले लिया, फंजाई। फिर उन्होंने देखा कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टी सेलुलर हैं, सेल वॉल है, एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स, मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको कहाँ रख दिया, प्लांटेई में। और सम ऑर्गेनिज्म दोज आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती, और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको कहाँ रख दिया, एनीमेलिया में। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 किंगडम उन्होंने बना दिए। 5 किंगडम किस बेसिस पे बना दिए, इन सारे करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बना दिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इकोलॉजिकल रोल, उनका इकोलॉजिकल रोल क्या है, इसके बेसिस पे उन्होंने कितने किंगडम बांट दिए, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। समझ में आया, तो इन्हीं क्लासिफिकेशन को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब इंटरेस्टिंग होने वाला है काफ़ी। ठीक है, क्योंकि आपको अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक को लर्न करना है, सीखना है। ठीक है, क्लियर। सो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि लाइक से ही मुझे पता लग जाता है कि यू आर लाइकिंग द सेशन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, एंड इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू द ट्रिक टू लर्न द साइंटिफिक नेम, आर यू अप्लाइंग दिस ट्रिक, क्या ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कि जो जैसे आपके सामने भिंडी आई, तो भिंडी का जो साइंटिफिक नेम है एबल मोस्कस, उसको बोलो, भिंडी ना बोलो। तो इस तरह से अगर आप एक वीक तक ऐसे बोलोगे तो कन्फर्म है उसका साइंटिफिक नेम आप कभी भूल नहीं सकते हो। दिस वॉज द ट्रिक ऑफ विच आई टोल्ड यू यस्टरडे। ठीक है, तो आई एम एंडिंग द सेशन, सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ विद द इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम एट योर होम, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।